नाम है ललित कुमार यादव, मैं गनौरा तरबारा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हूं। अभी नामांकन किए हैं। मैं किसानों के लिए बहुत सारा जो है गोदाम बनवाए, कृषि यंत्र हैं मेरे पास, जो किसानों को हम सुविधा दे रहे हैं, कि जो सरकार द्वारा संचालित है हम दे रहे हैं। हमारे पास जन वितरण का नहीं है, कृषि यंत्र से संबंधित है, उनसे हम किसानों को दे रहे हैं। यानी सरकार से जो भी सहकारिता विभाग के माध्यम से मिल रहा है, हाँ, वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे हैं हम, उस किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। जो भी सहकारिता विभाग से हम लोगों को जो पैक्स को दिया जाता है वो किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। सहकारिता मंत्री, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी बोले हैं इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो सहकारिता विभाग को मिलता है तो हम किसानों तक पहुँचाने का काम करेंगे। पैक्स अध्यक्ष के चुनाव का जो प्रक्रिया है, नामांकन का प्रक्रिया, वो अभी अंतिम चरण में है। और इसी दौरान बिरोल के गनौरा तरवारा पंचायत से हमारे साथ एक पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार मौजूद हैं। उन्होंने नामांकन किए हैं और नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे हैं। कई सदस्य भी यहां मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि पूर्व में, क्योंकि पहले भी पैक्स अध्यक्ष, वर्तमान में भी पैक्स अध्यक्ष भी है, दो बार पंचवर्षीय रहे हैं, दो बार, यानी कि किसानों के हित में जो काम होता है वो किए हैं और कहीं ना कहीं उसका फल भी मिल रहा है। इस बार जितने भी लोग हैं समर्थक यहां मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है ललित कुमार यादव, मैं गनौरा तरबारा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हूं। अभी नामांकन किए हैं। मैं किसानों के लिए बहुत सारा जो है गोदाम बनवाए, कृषि यंत्र हैं मेरे पास, जो किसानों को हम सुविधा दे रहे हैं, कि जो सरकार द्वारा संचालित है हम दे रहे हैं। हमारे पास जन वितरण का नहीं है, कृषि यंत्र से संबंधित है, उनसे हम किसानों को दे रहे हैं। यानी सरकार से जो भी सहकारिता विभाग के माध्यम से मिल रहा है, हाँ, वो किसानों तक पहुंचा, हाँ, रहे हैं। पहुंचा रहे हैं हम, उस किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। जो भी सहकारिता विभाग से हम लोगों को जो पैक्स को दिया जाता है वो किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। इससे किसान लाभान्वित भी है और खुश भी है। दो पंचवर्षीय से किसानों ने मुझे उम्मीदवार बना के जीत की हासिल की है और इस साल भी, इस वर्ष भी, इस नामांकन में भी, अभी का जो समय है उसमें भी किसान मेरे साथ है, सदस्य मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है और उन्होंने जोरदार हमको स्वागत किए हैं। अच्छा, आप नामांकन करके आइए। अच्छा, मतलब आने वाला आप जो इस बार फिर जीत के आएंगे, हाँ, तो क्या लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य मेरा है, अगर इस साल सहकारिता माननीय सहकारिता मंत्री, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी बोले हैं इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जो सहकारिता विभाग को मिलता है तो हम किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब तो आने वाले समय में सरकार आपको और अधिक पावर देने वाला है, अधिक क्षमता कार्य बढ़ाने वाला है। एकदम हम किसानों को जनता के बीच में देंगे, कृषकों को बीच में देंगे, जो उनसे मिलेंगे, जो सहकारिता विभाग से मिलेंगे, कोऑपरेटिव को, हाँ, पैक्स को मिलेंगे, वो हम किसानों तक पहुंचाने का काम। कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई कटौती नहीं करेंगे, न किए हैं न करेंगे। अच्छा, पिछले बार न किए हैं न करेंगे, अपने किसानों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे किसानों के लिए, हमेशा हम खड़े रहेंगे और बिल्कुल निश्चित रूप से। और अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद अपने समर्थकों के बीच आए हैं और ये देखिए तमाम। चाचा, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, फिर नामांकन कराए हैं? अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरे कृष्ण यादव जी, जी ग्राम सोवा जी और गनौरा तरवा पंचायत का निवासी हूँ। दो बार इनको जिताए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा जी, और तीसरी बार जिताने का हम भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो गनौरा तरवा पंचायत का जो वोटर माता है, हाँ, है मतदाता, उसको सद्बुद्धि दे और इनको अधिक से अधिक वोट से जिताने का काम करे। यानी इस बार हैट्रिक लगेगा, हाँ, जरूर लगेगा। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी नामांकन करा के बाहर निकले? काफी उत्साह दिख रहा है। काफी उत्साह दिख रहा है, हाँ, तो इस बार बहुत जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं, इस बार यही जीतेंगे, हाँ। इस बार बदलाव का कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रहा? कोई उम्मीद नहीं है बदलाव का, कहीं पर कोई नहीं है। अच्छा, यानी काम किए हैं उनका फल मिलने जा रहा है? फल मिलेगा, है ना? हाँ, जिताएंगे ललित बाबू। आप भी किसान हैं? किसान जी। तो आपके लिए कुछ किए हैं? हाँ, बहुत कुछ किए। सदस्य भी हैं? हाँ। अच्छा, और देखिए सदस्य भी हैं, काफी खुशी है इस बात से कि अध्यक्ष महोदय पिछले 10 सालों में जो सेवा किए हैं और आगे भी करेंगे और निश्चित रूप से कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या, अच्छा, क्या अपना परिचय देते? नहीं, मनोज कुमार मेरा नाम जी। क्या कहेंगे नामांकन? ना, बहुत अच्छा है। इससे पहले भी 2 पंचवर्षीय था, इस बार भी रहेंगे और इसका टक्का दूसरा कोई नहीं है। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं जितने भी मतदाता है
सब इनका समर्थक पूरे समर्थन है, पूरे समर्थन है तो दो पंच वर्ष हाँ कैसे? अच्छा जी, काम किए नहीं तो फिर दोबारा चुनेंगे कैसे? दोबारा चुना गया कैसे? इस बार हैट्रिक लगने वाला है। हाँ एकदम लगेगा हैट्रिक जी। अच्छा चलिए, इस बार हैट्रिक का उम्मीद है, और कहीं ना कहीं दो बार तो चुनाव जीत कर आए हैं, तीसरी बार भी चुनाव जीत कर आएंगे ऐसा जितने भी मतदाता है वो बता रहे हैं। चलिए बने रहिए खबर में हमारे साथ, हम अगले खबर में फिर आपसे मिलेंगे।